देखो फ्रेंड्स, श्राद्ध का आयोजन था। आज हमारी दादी का श्राद्ध है। तो पंडित जी कितने साल चलने में असमर्थ होते हैं, तो अभी पहुंच रहे हैं आराम आराम से। ये है ताऊ जी महाराज। इनका भी है काफली ऑफिशियल करके चैनल, इनको भी सपोर्ट कीजिए साथ में। पुराने बुजुर्गों के दिनों से मेरे पिताजी के जमाने के जो है हमारे जो है और 100 से पार करने वाले हैं। अब उम्र में मेरा जन्म तिथि है मेरे नामकरण से, मेरे बड़े दादा सब के नामकरण से लेके अब तक इन्होंने हमारे यहाँ सारी वृत्ति संभाल रखी है। और भगवान इनको आगे को भी रास्ता मार्गदर्शन अच्छी तरह जीने की दे और हमें बहुत खुशी होती है। हैं? खाने में क्या खाया अभी? नाश्ता किया? ये क्या कर रहे हो? ये वाला क्या किया तुमने? बहुत अच्छा लगा मुझे तो। ये क्या किया अभी? नहीं, क्या किया? कुछ तो किया यार। गिरा था ना? नहीं तो खेल रही थी, तू तो जंप कर रही थी। गिरा नहीं। कैसे गिरी थी? दो शब्द आप भी फेंको। क्या कहूँ अब? भारत माता की जय। हाँ, काफल हिल वालों की जय यार। हाँ गुड, ये वाली बात है। आज मैं अपनी मम्मी के श्राद्ध में बैठने की तैयारी में हूँ। ये बोलो बोलो बोलो। बाबा आ जाए इधर श्राद्ध। वैसे हमारे पंडित जी के बराबर साहसी मुश्किल से मिलेंगे इतनी उम्र में कोई भी। हाँ हाँ, वो तो है। पंडित तो ऐसा है जी, बेलगबेली बदली तो। आप तारीफ कर रहे हो या फिर क्या हो रहा है? इसको खोलेंगे कि कुछ आसन बनाएंगे, पिंडे इसमें रखेगा रहेगा और इनमें 2-3 चंदन आदि जो भी सामग्री है इनमें रखे जाते हैं। चावल अक्षत पंडित जी उसी के लिए सारे बना रहे हैं। गूगल है लाइव में डालता है? नहीं नहीं, वो डाल रहे हैं। कोई बात नहीं, अभी रख देंगे ना। ये आंवला है, अभी तो फ्रेश है वो। ये आंवला कलयुग नहीं आया है अभी। कहेगी वो छोटी भाजी तो होगी दाढ़ी बनाने काटने वाली। ये 25 मिनट से ज़्यादा नहीं आ रही है। मामा का श्राद्ध लगी है ना। ये श्राद्ध का जो है अब हो गया मामू, कितना और बचा है? पिंडू वाले और अच्छा ब्रेक ही चल रहा है। कैसा लगा आपको गौशाला? गाय गिन सकते हो आप? 12 हैं, 10-12 हैं। कितने हैं साहब आपकी गौशाला में गाय?